वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है वेनसडे और अभी आज मुझे जाना था। दीसू ने जो क्लास वन के लिए इंटरव्यू दिया था ना, उस पर सिलेक्ट हुई है, तो वो सिलेक्शन लेटर लेने क्लास बुलाया था, पर मैं आज नहीं गई क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मेरी बहन जो है, जो मेरी ननद है, उसने कॉल कर कर बोला कि आज नहीं देंगे, थोड़े दिन बाद देंगे, तो इसीलिए फिर मैं नहीं गई। एक फ्रेंड है ना, तो उसके भी दोनों बेटियाँ वो मतलब सिलेक्ट हुई है, तो मैंने उसको बोलने के लिए कॉल लगाया था, पर वो तो ऑलरेडी स्कूल पहुँच ही चुकी थी। तो फिर ठीक ही हुआ वो गई, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर ले रहे थे पेरेंट्स का। तो नाश्ता नहीं किया है, तो अभी नाश्ता करूँगी, उसके बाद देखूँगी दोपहर को क्या बनाऊँगी। तो चलिए आज कब लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे बारिश हो रही है, पूरी पूरी बारिश। तो फ्रेंड्स, बाहर बहुत ही ज़ोरदार बारिश हो रही थी और मैं आ गई हूँ अभी खाना बनाने के लिए। और किनको किनको ऐसे हैबिट है कि खाना बनाते बनाते गाना गाती है, तो मैं कभी कभी ऐसे खाना बनाते बनाते या तो मोबाइल में गाना सुनती हूँ या फिर थोड़ा सा गुनगुना लेती हूँ, कुछ भी, जैसा भी आवाज़ है, खुद को मतलब अच्छा ही लगता है इसीलिए। तो चलिए अभी मैं बना रही हूँ ये शलगम की भाजी। तो शलगम को लंबा लंबा काट लिया है, तो शलगम की भाजी करूँगी आज और एक मिक्स सब्ज़ी बनाऊँगी और साथ में तो दाल रहेगा ही। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, स्पेशली जिनका यूट्यूब में चैनल है उनसे और जो मेरे फैमिली में आ रहे हैं नए नए फ्रेंड्स मेरे, उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में सब्सक्राइब कर दिया या गिफ्ट दिया है ये सब मत लिखिए, क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया है जब भी ऐसे कमेंट्स आते हैं ना, तब भी मेरे सब्सक्राइबर कट जाते हैं। तो इसलिए इस बार भी बहुत सारा सब्सक्राइबर मेरा कट गया, तो आप सिंपल सा एक कमेंट कर दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगी और आपको बैक भी कर दूंगी। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है मेरी फ्रेंड्स। अभी सब्जी वब्जी सारा कुछ काट कर धो लिया है और एक साइड इंडक्शन में अभी मैंने बिठाया है शलगम है ना, उसे थोड़ा लंबा लंबा काट कर उसको भाजी बना रही हूँ। और आज यहाँ पर है पत्ता गोभी, फूल गोभी, आलू, तो ये सब मिक्स कर बनाऊंगी, क्योंकि इस बार मैं देख रही हूँ ना फूल गोभी अच्छे नहीं है, जल्दी जल्दी खराब हो जा रहे हैं, तो इसे यूज़ ही कर दूंगी, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। और कल वीडियो बनाई थी ना, कल पता नहीं क्यों इतना थकान लग रहा था, क्योंकि इतने दिन मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है ना, तो घर का बहुत सारा काम मैंने किया है, तो सारा घर मतलब तो साफ करना, किचन पूरा डीप क्लीन किया था मैंने उस दिन, ये सब हटा वटा के सब कुछ करके, तो थक गई थी। तो कल ना नींद भी आ गई, उसके बाद में मैं सो गई आधा, मतलब थोड़ा सा एडिटिंग करके रखा था, फिर मैं सो गई। उसके बाद सुबह को उठी हूँ ना, तो सुबह का सारा एडिटिंग किया है और उसके बाद वॉइस ओवर किया है, उसके बाद अपलोड किया है। की लागे तुम्हारे किच्छू तो लागे इतना आलू भजा ना और कोबी भजा देखने में ये पूरा आलू भाजी जैसा लग रहा है, पर ये आलू नहीं है, ये अल कोबी है, शलगम है, शलगम ये अभी लेकर आई है, चीयर लेकर आई है ये देखिए। तो चलिए बना लेती हूँ फटाफट। तो दीसू का फेवरेट है आलू की भाजी, तो उसे ये आलू की भाजी लग रही थी, पर यह नहीं, ये शलगम है, तो शलगम को ही मैंने आज भाजा बनाया था। बारिश थोड़ी रुकी है तो मैं अभी जाकर आती हूँ सामने वाले दुकान, तो थोड़ा सा सुटकी लेकर आऊँगी, यानी कि जो सूखी वाली मछली होती है ना, वो, उसकी चटनी बनाऊँगी इसीलिए। तो चलिए चलते हैं।
तो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से काले काले बादल छाए हुए हैं। मौसम बहुत ख़राब था आज, और अभी खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। तो अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। डेली का जो रूटीन है वही है फ्रेंड्स, तो कभी दिखाती नहीं होता। आज सोचा कि मैं यही दिखा लेती हूँ। अभी तो बारिश का मौसम भी है और कुछ मतलब होता ही नहीं है व्लॉगिंग में, घर का ही अंदर का बना हो। तो वैसे आज शाम को मैं मार्केट गई थी क्योंकि कल दीसू के पापा का बर्थडे है, यानी कि जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो आज तो 23 फरवरी को, तो उनके लिए कुछ लेने के लिए गई थी, पर उन्होंने तो मना ही कर दिया। तो जिद पकड़ ली कि अभी नहीं चाहिए, थोड़े दिन बाद लूँगा तब देना। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो फिर ऐसे कुछ हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, बस उनको जो खाने में पसंद है ना। तो आज मार्केट से मैं वो सब लेकर आई हूँ, और कुछ सामान मेरे घर में भी थे तो थोड़ा कुछ नहीं था वो लेकर आई हूँ। तो कल वही बनाऊँगी लंच में, तो वही हो जाएगा उनका बर्थडे स्पेशल। तो फ्रेंड्स सारा किचन अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है, और शाम को मैं गई थी मार्केट। तो ये रहा, इधर साइड है हाई सेकेंडरी स्कूल, सीधे रास्ते से जाओगे तो मिल जाएगा, और ये है ग्राउंड। तो यहाँ पर अभी क्रिकेट चल रहा है और मैं वेट कर रही हूँ दीसू के पापा का, उनके ऑफिस के बाहर।